हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह की 44 लड़कियों में से 8 लड़कियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके परिवार को सौंपने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एनबी रवड़, न्यायमूर्ति एमएम शांता नागौर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि इन 8 लड़कियों को सभी आवश्यक वित्तीय और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए। पीठ ने राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि इस तरह की पीड़ितों को योजना के तहत की जाने वाली क्षतिपूर्ति का आकलन करे और न्यायालय को अपनी रिपोर्ट दे। पीठ ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को शेष लड़कियों के मामले में एक स्थिति रिपोर्ट तैयार करके 8 सप्ताह के भीतर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 की कार्य परियोजना कोशिश की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह आदेश दिया। सिलबंद लिफाफे में पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 8 लड़कियों को उनके परिवार को सौंपा जा सकता है। मुजफ्फरपुर में गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित बालिका गृह में अनेक लड़कियों का कथित रूप से यौन शोषण हुआ था और 30 की एक रिपोर्ट के बाद इस आश्रय गृह में रहने वाली लड़कियों के यौन शोषण की गतिविधियां सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। निष्पक्ष, स्वतंत्र और बेबाक, यही है रेड नेटवर्क की पहचान। हम पहुंचते हैं सत्ता के गलियारों से लेकर खेत खलिहान तक, चौक चौराहों से गांवों की गलियों तक खबरें लाते हैं आपके सरोकार की। हम सरकार की नहीं, सरोकार की बात करते हैं, हम जन की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके बीच बने रहें, निष्पक्षता के साथ डटे रहें, तो रेड नेटवर्क को हर संभव आर्थिक मदद कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि पैसों की वजह से हम आपकी गलियों तक नहीं पहुंच पाए। आप अपनी क्षमता और इच्छा के मुताबिक हमारी मदद करें। जय हिंद। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस अकाउंट नंबर पे आप हमें अपनी मर्जी के मुताबिक धनराशि भेज सकते हैं। साथ ही अकाउंट से संबंधित तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ ताकि हम आप तक निष्पक्ष, स्वतंत्र और सही खबर बेबाक तरीके से पूरी स्वतंत्रता के साथ आप तक पहुंचा सके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।